40 का पूरा ईवीएम मारा नहीं गया और काउंटिंग शुरू कर दिया गया। अभी भी बूथ नंबर 4 का ईवीएम नहीं है, वार्ड 39 का कंप्लीट भी नहीं हुआ, 40 को घुसा दिया गया, एकदम पारदर्शिता तरीके से नहीं किया। आरओ साहब का कहना है अभी भी बोल रहे हैं कि एक ईवीएम उधर ला रहे, गलती होगी। आरओ साहब कहते हैं दोस्तों बिहार के कई जिलों में आज नगर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों ने बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। हमेशा की तरह इस बार फिर से ईवीएम धांधली का आरोप प्रत्याशी ने लगाया और सीधे साफ तौर पर कहा है कि ईवीएम जो है वो गायब कर दिया गया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पटना में निकाय चुनाव के नतीजे की काउंटिंग शुरू होने से पहले ही प्रत्याशी ने बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि ईवीएम जो है वो पोलिंग बूथ सेंटर से गायब कर दिया है, जहां पर ईवीएम स्ट्रांग रूम था, जहां पर मतगणना होने वाली थी, वहां से ईवीएम गायब की खबर आ रही है। कशिश न्यूज़ ने इसकी जानकारी दी है। जो पटना और बिहार का लोकल चैनल है वो ट्वीट करते हुए लिख रहा है कि पटना के काउंटिंग हॉल के बाहर लोगों का हंगामा, ईवीएम गायब होने की सूचना पर भड़के थे लोग, प्रशासन ने कराया शांत। किसी भी तरीके से प्रशासन ने जो है वो शांत कराया है, क्योंकि ईवीएम गायब हो जाना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। आखिर ईवीएम में धांधली का बार बार आरोप क्यों लग रहा है, क्यों प्रत्याशी, क्यों विपक्ष ये आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम से चुनाव बंद कराना चाहिए, ईवीएम में नतीजे जो हैं वो सही नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर छेड़खानी हो जाती है, कभी स्ट्रांग रूम में घुसकर तो कभी स्ट्रांग रूम के बाहर गाड़ियों में ईवीएम का मिलना। ये तमाम तस्वीरें, ये तमाम खबरें आपने देखी, चाहे वो गुजरात इलेक्शन हो, हिमाचल हो, उत्तर प्रदेश हो या बिहार इलेक्शन हो, जहाँ जहाँ पर चुनाव हुआ है वहाँ वहाँ पर ईवीएम को शक के घेरे में रखा गया है। अब आप सोचिए कि एक निकाय चुनाव में ईवीएम का गायब हो जाना, एक छोटा सा चुनाव निकाय चुनाव का जहाँ पर जनता अपने वार्ड कमिश्नर को, मेयर को चुनती है, वहाँ पर ईवीएम धांधली की बातें सामने आती है तो कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। ना ही ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ना ही विधानसभा चुनाव हो रहा है, बल्कि ये निकाय चुनाव था और निकाय चुनाव के नतीजे जो आ रहे थे उससे पहले ईवीएम में धांधली की जो बातें हैं वो पटना, राजधानी पटना से निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों कशिश न्यूज़ एक और ट्वीट करता हुआ लिख रहा है कि पटना के काउंटिंग हॉल के बाहर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया है, ईवीएम गायब होने की सूचना पर लोगों में जो है ज़बरदस्त तरीके का गुस्सा वो देखने को मिला। ज़रा आप इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे ईवीएम धांधली को लेकर एक बार फिर से राजधानी पटना में बड़ा बखेड़ा शुरू हो गया। देखिए इस वीडियो को, वार्ड नंबर 39 का पूरा ईवीएम मारा नहीं गया और काउंटिंग शुरू कर दिया गया, अभी भी बूथ नंबर 4 का ईवीएम नहीं है, ये बोल रहे हैं कि ईवीएम नहीं है। ईवीएम से क्या होता है, एडीएम है, आरओ है, एडीएम है, आरओ है। कि बार 39 का कंप्लीट भी नहीं हुआ, 40 को घुसा दिया गया, एकदम पारदर्शिता तरीके से नहीं किया। आरओ साहब का कहना है अभी भी बोल रहे हैं कि एक ईवीएम उधर ला रहे, गलती हो गया। देखा दोस्तों किस तरीके से ईवीएम को एक बार फिर से शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया। आखिर ईवीएम जा कहाँ रहा है, आखिर ईवीएम में ऐसी क्या नुक्ता है, ऐसे कौन सा टोटका है जो ईवीएम को गायब करके प्रत्याशियों की जीत हासिल हो जाती है। एक पार्टी को जीत तो दूसरे को हार मिल जाती है। आखिर चुनाव आयोग पर यह सवाल बार बार क्यों उठ रहा है, विपक्ष तो आरोप लगा ही रहा था, लेकिन अब जो एक छोटा सा इलेक्शन है यहाँ पर, ना किसी पार्टी का इलेक्शन कह सकते हैं, किसी पार्टी के चिन्ह पर अभी नहीं हो रहा है इस बार से, हालांकि 5 साल बाद जो अब इलेक्शन होगा उसमें पार्टी का चिन्ह है जो वो शामिल किया जाएगा, लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ है वो किसी पार्टी के चिन्ह पर नहीं हुआ है, ना ही भाजपा, ना ही कांग्रेस और ना ही RJD, ना ही JDU के चिन्ह पर हुआ है। यहाँ पर सीधे जो एक तरीके से कहते हैं ना कि अपना निर्दलीय जो है वो चुनाव हुआ है, और उसी चुनाव में ईवीएम का गायब हो जाना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। अब आपको दिखाते हैं भास्कर का न्यूज़। भास्कर क्या छाप रहा है, भास्कर लिख रहा है कि भोजपुर में धरना पर प्रत्याशी जो है वो बैठ गए हैं, मतगणना कक्ष के बाहर धरने पर बैठे कुव्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये स्थिति है। भोजपुर के 3 निकायों में दूसरे चरण के निकाय चुनाव की मतगणना आरा के हित नारायण क्षत्रिय स्कूल में शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शुरू किया गया, जहाँ आरा नगर निगम की मतगणना विद्यालय के सभागार में जैसे ही ये मामला शुरू हुआ तो मेयर और डिप्टी मेयर प्रत्याशियों ने हंगामा शुरू कर दिया और मतगणना हॉल के बाहर जो है वो धरना देना शुरू कर दिया। धरना पर बैठे प्रत्याशी प्रशासन पर कुव्यवस्था का आरोप लगा रहे हैं। हंगामा कर रहे प्रत्याशियों का कहना है
मेयर पद के लिए जब 25 उम्मीदवार हैं और डिप्टी मेयर के लिए 13 प्रत्याशी हैं, तो फिर मतगणना हॉल में उतना टेबल या बड़ा हॉल में जगह क्यों नहीं बनाया गया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है, व्यवस्था को जो है कोसा जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो है जनता जनार्दन और उनके सपोर्टर जो प्रत्याशी हैं वो मतगणना हॉल के बाहर धरना दे रहे हैं। अब आगे एक और खबर आपको नवभारत टाइम्स की दिखाते हैं, इन्होंने बिहार चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर क्या अपडेट दिया है। बिहार नगर निकाय चुनाव की मतगणना में 23 जिलों में काउंटिंग जारी है, कईयों की किस्मत का ताला खुल चुका है, कईयों ने जीत हासिल कर लिया है। अगर देखें तो कईयों ने अपना जो जीत का सेहरा है, जो ढिंढोरा है, वो पीटना शुरू कर दिया है कि कई ऐसी जो प्रत्याशी हैं वो उन्होंने जीत हासिल कर ली है। अब दोस्तों आपको बता दें कि मेयर डिप्टी मेयर के नतीजे 1 से 2 घंटे में आने का जो है वो संभावना जताया जा रहा है कि 1 से 2 घंटे में पटना के मेयर का जो है रिजल्ट आ जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर से नतीजे में 46 वार्ड का रिजल्ट आ गया है, मुजफ्फरपुर से आए नतीजे में 46 वार्ड का रिजल्ट और सैफ अली की जीत जो है यहाँ पर हो गई है घोषित कि ये जीत गए हैं। वार्ड नंबर 5 जो है पटना का, वहाँ पर दीपा रानी खान की जीत हो गई है। तो इसी तरीके से कईयों की जो है जीत की खबर आ रही है। बाकी कई ऐसी जगह है जहां पर काउंटिंग तो हो रहा है लेकिन हंगामे भरा काउंटिंग हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके का जो है हंगामा देखने को मिल रहा है। अब देखिए अमर उजाला लिख रहा है कि पटना निकाय चुनाव में, पटना में जो है दोस्तों मेयर पद पर सीता साहू और महजबी में कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है कि किस तरीके से इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर है और उनके सपोर्टर उनके समर्थक ज़बरदस्त तरीके से जो है शोर मचा रहे हैं और शोर मचाते हुए कह रहे हैं कि उनके ही प्रत्याशी की जीत होगी। इस तरीके से तमाम अपडेट्स जो है बिहार निकाय चुनाव के वो आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ईवीएम जो है बार बार धांधली के घेरे में क्यों आ जाता है, ईवीएम में ऐसा क्या हो रहा है जो ईवीएम को लेकर सवालों के घेरे और सवालों के जो पिटारे हैं वो खुल जाते हैं। ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और जो भी प्रत्याशी हैं, जो भी नेता हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, उनके मन में जो शक और सूबा है उसको उन्हें क्लियर करना चाहिए। दोस्तों जैसे ही ईवीएम में धांधली की बात सामने आई, ईवीएम गायब होने की बात सामने आई, वैसे ही दोनों प्रत्याशी जो एक दूसरे को चुनावी टक्कर दे रहे हैं कांटे की, उन दोनों के सपोर्टर्स में उन दोनों के समर्थकों में ज़बरदस्त तरीके का टकराव देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ दनिशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।